हाय गाइस, वेलकम टू डेली स्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रत्नावीर प्रिसीजन कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी के क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव आए हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करें हम रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, तो हमें ट्यूजडे के ट्रेडिंग सेशन में 0.36% की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 171.99 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। भाई अगर हम कंपनी के क्वार्टर वन के नतीजे डिस्कस करें तो आप देखोगे जो कंपनी की सेल्स रही हैं क्वार्टर वन में वो रही हैं 204 करोड़ की। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 74% का इजाफा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 44% का इजाफा। एबिटा रेखा जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, 24 करोड़ 60 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 68% का इजाफा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 447% का इजाफा। नेट प्रॉफिट आप देखोगे 12.5 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 52% का इजाफा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 123% का इजाफा। EPS 2.58 रुपये हो गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% का इजाफा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 122% का इजाफा। हमें एक इम्प्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी अच्छे खासे रिटर्न्स आने वाले दिनों में हम रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगातार अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, अच्छे फंडामेंटल्स है। भाई आप देखोगे जो कंपनी पर डेप्ट, फिलहाल आप देखोगे 207 करोड़ का है और डेप्ट टू इक्विटी है 0.82। अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो कंपनी धीरे धीरे जो आपका अपना डेप्ट है उसे कम करने की कोशिश भी कर रही है। 2023 में आप देखोगे 230 करोड़ का डेप्ट था, जो कि 2024 में 207 करोड़ का रह गया। भाई अगर आप इन्वेस्टर्स देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% है, FIIs की होल्डिंग 1% है, वहीं पब्लिक के पास तकरीबन 43% की होल्डिंग, यानी रिटेल इन्वेस्टर 43% है रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी में। भाई आप ROE भी देखोगे, ROE भी ठीक ठाक है। सेल्स ग्रोथ अगर पिछले 3 साल देखें तो कंपनी की सेल्स 18% के हिसाब से ग्रो हुई हैं। इंडस्ट्री PE 28 के पास है, स्टॉक PE देखेंगे तो 23 के आसपास है, यानी इंडस्ट्री PE के हिसाब से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर के हिसाब से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। फिलहाल जो हमें कंपनी के नतीजे देखने को मिले हैं क्वार्टर वन के वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिले हैं, जो एक्सपेक्टेशन की थी उससे अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं, तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो। फिलहाल आप देखोगे हमें कंपनी के जो शेयर प्राइस है अपर ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ से सीधा सीधा हमें 190-195 का टारगेट देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रखो। एक चीज़ मैं पहले कह रहा हूँ, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। थैंक यू।